हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में। फर्स्ट क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन। ठीक है, आप सबने अपनी अपनी बुक्स अपने पास रखी हैं। वेरी गुड। कल हमने देखा था कि हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया और हमने पूरी पोयम को समझा। ठीक है, आपने पूरी पोयम पढ़ी, घर पे एक बार पढ़ी थी आपने, वापस से लर्न हो गई ना सबको। वेरी गुड। चलिए तो हम इस पोयम को याद करके अब हम कुछ सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आज हम करेंगे जो आपको लास्ट पेज पर, मतलब पेज नंबर 12 पर आपको मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा कठिन शब्द। कठिन शब्द में वो शब्द इस पोयम में आए हैं जिनको बोलने में आपको प्रॉब्लम हुई है, थोड़ी सी दिक्कत आई है बोलने में, क्योंकि थोड़े से कठिन शब्द है, तो उनको हम दो बार दोहरान करेंगे और उस दो बार दोहरान के बीच में हमको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारा अल्लाह। क्या है? अल्लाह, अल्लाह। ईश्वर क्या है? ईश्वर, अल्लाह ईश्वर। तितलियाँ, तितलियाँ। रचयिता, रचयिता। खुशबू, खुशबू। प्रणाम, प्रणाम। इन सबके बीच में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मैं जो भी शब्द बोल रही हूँ उन पे आपकी फिंगर होनी चाहिए और मेरे साथ साथ आपको उसको दोहराना है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। इसके बाद आप पेज टर्न करेंगे तो आप 13 नंबर पेज नंबर 13 पर आपको सबसे पहले दिखाई देगा शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। क्या होता है? शब्दों का अर्थ। अब इस पोयम में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनके अर्थ जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो अर्थ मैं आपको आज बताऊंगी। आपको वही सेम प्रोसेस करना है, फिंगर रखनी है और मेरे साथ दोहराना है। दोहराना मीन्स रिपीट करना है, आपको मेरे साथ बोलना है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आपको मेरे साथ साथ बोलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है रंग बिरंगे। रंग बिरंगे, इसका क्या अर्थ हो गया? रंगीन। क्या हो गया? रंगीन। अच्छा, सेकंड शब्द है धरा। धरा क्या है? धरा, इसका अर्थ हो गया पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। फिर थर्ड है पर्वत। क्या है? पर्वत। तो पर्वत का मतलब हो गया पहाड़। मैंने कल पोयम में भी आपको बताया था पर्वत का मतलब होता है पहाड़। दुनिया, दुनिया। दुनिया का मतलब हो गया संसार। संसार। जीव, जीव मीन्स प्राणी। जीव मीन्स प्राणी। जीव का अर्थ होता है प्राणी, जिनमें प्राण होते हैं, प्राण। ठीक है, रचयिता। रचयिता यानी रचनाकार। कल मैंने पोयम में भी आपको बताया था रचनाकार, जो कि रचना करते हैं, जो बनाते हैं उनको बोलते हैं रचनाकार। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हुई हैं, एक तो कठिन शब्द हुए हैं, एक शब्दार्थ हुए हैं। इनको आपको वापस से दो या तीन बार बोलना है और लर्न करना है, आपको तुरंत याद हो जाएंगे क्योंकि पोयम तो हम याद कर चुके हैं। चलिए आज हम दो चीज़ें करेंगे। पहला हम करेंगे मौखिक प्रश्न यानी कि ओरल। ओरल प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे उनको हम तैयार करेंगे, और फिर करेंगे हम लिखित प्रश्न यानी जो एग्ज़ाम में हमें लिखना भी पड़ेगा। ये दो तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे आज मौखिक। क्या करेंगे हम? सबसे पहले मौखिक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हमसे कभी ये पूछते हैं कि ईश्वर ने सबसे सुंदर क्या बनाई है? ईश्वर ने सबसे सुंदर क्या बनाई है? तो उसका आंसर आपको बोलना है ईश्वर ने सबसे सुंदर पृथ्वी बनाई है। क्या बनाई है? सबसे सुंदर पृथ्वी बनाई है। ठीक है, लर्न हो गया। अब हमको सेकंड क्वेश्चन बोलना है, हमें ईश्वर को प्रणाम क्यों करना चाहिए? हमें ईश्वर को प्रणाम क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको बोलना है ईश्वर ने प्राकृतिक चीज़ें बनाई हैं, इसलिए हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। ईश्वर ने प्राकृतिक चीज़ें बनाई हैं, इसलिए हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। आ गया दो क्वेश्चन समझ में? हाँ, तो जब हमने जब पढ़ा तो हमने पोयम में देखा कि ये दोनों आंसर उस पोयम में थे, तो हमें अगर पोयम लर्न है तो हम तुरंत इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, खुशबू किसमें महकाई है? किसमें खुशबू, किसमें है? तो हमें इस पोयम से मालूम है कि खुशबू तो फूलों में होती है, तो इसका आंसर होगा खुशबू फूलों में महकाई है। खुशबू फूलों में महकाई है। तो आपको ये मौखिक प्रश्न तो आपको आ गए, अगर आपसे कोई ओरल पूछेगा तो आप तुरंत इसका जवाब दे देंगे।
ठीक है, इसको दो या तीन बार जब आप बोलेंगे, दोहराएंगे, बार बार आप इसको बोलेंगे तो आपको तुरंत इसको याद करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास है लिखित प्रश्न। लिखित मीन्स जो हम एग्ज़ाम में लिखेंगे भी, तो इसमें आपको बुक में, आपकी बुक जब आपने आपके पास ली है तो उसमें आप देखें कि प्रश्न के नीचे लाइन दी गई है, ठीक है ना, ब्लैंक लाइन है आपकी बुक में, वो ब्लैंक लाइन है, मेरे वीडियो में आपको वो भरी हुई दिखाई दे रही है। बट इसको करने से पहले आपको अपने क्वेश्चन आंसर खुद लर्न करने हैं और उसको फिल करना है। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी हैं। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो हमारा इसका आंसर आप लिखेंगे, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक चीज़ें सूरज, चांद, धरा, फूल, सागर, नदियाँ एवं तरह तरह के जीव बनाए हैं। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो इस पोयम में भी आपको आया है, और इसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक चीज़ें सूरज, चांद, धरा, फूल, सागर, नदियाँ, तरह तरह के जीव हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस दुनिया के रचयिता कौन है। इस दुनिया के रचयिता, हमने बताया था रचयिता मीन्स रचनाकार, यानी कि ये दुनिया किसने बनाई है, तो इसका आंसर है इस दुनिया के रचयिता ईश्वर है। ठीक है, किसने बनाई है ये दुनिया, ईश्वर ने बनाई है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हमें ईश्वर का गुणगान क्यों करना चाहिए। हमें ईश्वर का गुणगान क्यों करना चाहिए। ईश्वर ने प्राकृतिक चीज़ें बनाई हैं, इसलिए हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। ईश्वर ने प्राकृतिक चीज़ें बनाई हैं, इसलिए हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से जो चीज़ें बनी हैं वो ईश्वर ने तो दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कवि के अनुसार ईश्वर द्वारा बनाए गए जीवों के नाम लिखो। तो क्या क्या बनाए हैं, कौन कौन से जीव बनाए हैं जो हमने इस पोएम में पढ़े हैं, चींटी, हाथी, हिरण, तितलियाँ ईश्वर द्वारा बनाए गए जीव हैं। चींटी, हाथी, हिरण, तितलियाँ ईश्वर द्वारा बनाए जीव हैं। तो सबको समझ में आ गया कि कौन कौन से हैं। चलिए अब हम इस पेज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज, जो है सही पर टिक का निशान लगाइए। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो इस पोएम से रिलेटेड है, और आप उसको सही पहचानेंगे इन शब्दों में से, इन तीन शब्दों में से जो सही होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन, कवि किसको प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं। किसको प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, या दोनों को, बताइए। हाँ, ईश्वर को भी करते हैं हम प्रणाम और अल्लाह को भी करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही नाम है। तो अब हम दो पर तो टिक नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है, स, दोनों, दोनों दोनों को हमें प्रणाम करना है, तो हम स पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि धरा बनाई, कैसी बनाई है धरा, कैसी है, सबसे सुंदर है, विशाल है, या रंग बिरंगी है, बताइए। रंग बिरंगी है, नहीं, रंग बिरंगी तो फूल होते हैं। विशाल, नहीं, विशाल भी नहीं है, क्योंकि विशाल तो पहाड़ होते हैं ना। तो सबसे सुंदर धरा बनाई है, क्या बनाई है, सबसे सुंदर धरा बनाई है, तो हम इस पे टिक करेंगे, अ पर, सबसे सुंदर पर। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड, खुशबू महकाई है, खुशबू महकाई है, अब किस में महकाई है खुशबू, फूलों पर, पर्वत पर, या सागर में, बताइए। सागर पर, नहीं, सागर में तो पानी होता है, पर्वत, नहीं, तो खुशबू किस में आती है, फूलों में, वेरी गुड, तो हम फूलों पर टिक करेंगे, खुशबू किस में आती है, फूलों में आती है। ठीक है, तो आज हमने कठिन शब्द किए, आज हमने शब्दार्थ किए, आज हमने मौखिक प्रश्न किए, आज हमने लिखित प्रश्न किए, और सही गलत को भी हमने जाना। तो ये चार पांच चीज़ें जो हमने आज की है, इसको आपको अभी दो बार वापस दोहराना है,
मेरे साथ आपने दोहराया, आपको पढ़ना आया, आपने पोयम भी लर्न किए, तो अभी आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको कहीं जाना नहीं है ना, आपको घर पर ही रहना है और घर पर रहकर हमको हिंदी का ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे से याद करना है। फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं हम और हमें हिंदी का चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जब हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर हम अच्छी अच्छी चीज़ें और सीखेंगे। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट लेसन को कम्प्लीट करना है और लर्न करना है, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, कहीं बाहर नहीं जाना है। मम्मा पापा की हेल्प लेकर इस लेसन को आपको अच्छे से लर्न करना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे लेसन कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ओके, बाय।